फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, ये इंटरनेशनल मार्केटिंग की हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे चैलेंजेस इन इंटरनेशनल मार्केटिंग। इंटरनेशनल मार्केटिंग जब आप करते हो तो आपको क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, क्या क्या चैलेंजेस आपके पास आते हैं। फर्स्ट है आपके पास पेमेंट डिफिकल्ट। डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट करेंसीज एंड द एक्सपोर्टर इज टू बी पेड इन द करेंसी ऑफ हिज कंट्री। देखिए, पेमेंट में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है, क्योंकि जो अलग अलग कंट्री होती है वहाँ की करेंसी अलग अलग होती है, और जो भी पर्सन एक्सपोर्ट कर रहा है अपने गुड्स को, उसको क्या करना होता है, उसी करेंसी जिस कंट्री में वो एक्सपोर्ट कर रहा है उसी करेंसी के हिसाब से करना होता है। नेक्स्ट है आपका मल्टीपल टैक्सेशन सिस्टम। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कम अक्रॉस मल्टीपल टैक्सेशन सिस्टम। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करने जा रहे हो तो वहाँ पे आपको बहुत तरीके के टैक्स देने होते हैं। नेक्स्ट है आपका पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। इट इज आल्सो नेसेसरी फॉर टाइम्स टू केयरफुली एनालाइज द इन्वेस्टमेंट रेटिंग ऑफ कंट्रीज दे विश टू इन्वेस्ट। मतलब क्या होता है, जिस भी कंट्री में कोई भी कंट्री इन्वेस्ट करना चाहती है तो उसको अच्छे से एनालाइज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट है आपका कस्टमर्स एंड ट्रेडिशन कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। व्हेन इंटरनेशनल ट्रेड टेक्स प्लेस एंड एक्सपोर्टर हैज टू वॉच डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। देखिए, जब भी कोई एक पर्सन ये स्टार्ट करना चाहता है कि वो इंटरनेशनल ट्रेड करना चाहता है, तो वो जिस भी कंट्री में अपना बिजनेस करना चाहता है वहाँ के उसको लैंग्वेज को, कस्टम को, ट्रेडिशन को, हर चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है। फिर है आपका डिस्टेंस। नाइदर द एक्सपोर्टर कैन मीट द इम्पोर्टर और वाइस वर्सा बिकॉज ऑफ डिस्टेंस। देखिए, आपकी होम कंट्री में और फॉरेन कंट्री में डिस्टेंस इतना ज़्यादा दूर होता है कि जो पर्सन सामान को बेच रहा है, जो पर्सन खरीद रहा है, वो दोनों आपस में कभी भी नहीं मिल पाते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रॉब्लम ऑफ ट्रेडिंग ब्लॉक्स। दिस ट्रेड बैरियर्स आर इम्पोज बिकॉज ऑफ प्रोटेक्टिव पॉलिसीज ऑफ दिस नेशन। देखिए, हर एक जो नेशन होती है उसकी अपनी अपनी कोई ना कोई पॉलिसीज होती है, और वो पॉलिसीज क्या करती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस करने जा रहे हो तो। नेक्स्ट है आपका डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज। डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज का क्या मतलब है? इंटरनेशनल मार्केटिंग इनवॉइसेस क्लियरेंस ऑफ डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स एट डिफरेंट लेवल, या इनवॉइसेस नहीं होगा, इन्वॉल्व होगा। इंटरनेशनल मार्केटिंग इन्वॉल्व क्लियरेंस ऑफ डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स एट डिफरेंट लेवल। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से उठे और अपने माल को शिप में मतलब लोड करके भेज दिए। उसके लिए क्या होता है, हर एक लेवल पे बहुत सारे आपको डॉक्यूमेंट्स चेक कराने होते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना होता है, वेरीफाई कराना होता है, तब जाके कहीं आप अपने मतलब प्रोडक्ट को बाहर कंट्री में भेज सकते हैं। तो ये इसी तरह बेसिकली कुछ चैलेंजेस होते हैं जो कि आपको इंटरनेशनल मार्केटिंग करने में आपको आएंगे। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। किसी को भी नोट्स चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।